तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और टनटनाटन होंगे। तो आपको जैसे मैंने अभी दिखाया कि मेरी बहुत दिन से गैस स्टोव ख़राब थी, तो अभी वो जस्ट मेरे हस्बैंड लेकर गए हैं उसे बनवाने के लिए। तो अभी यहाँ पे मतलब पार्शल लॉकडाउन चल रहा है, सुबह में सिर्फ और सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक ही शायद शॉप्स खुले होते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं, तो वो अभी लेकर गए हैं उसे शॉप में ठीक करवाने के लिए। तो उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अभी ब्रेकफास्ट मैंने बनाया नहीं है और मैंने आज ब्रेकफास्ट में प्लान किया है कि छोले भटूरे बनाऊंगी। तो सबसे पहले छोले भटूरे के लिए मैं आटा लगा कर रखूँगी। तो जाती हूँ, जल्दी से पहले आटा लगाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा, थोड़े से चुटकी भर बस सोडा, खाने वाला जो सोडा बोलते हैं वो सोडा चाहिए होगा। ये मैंने दही बनाया है घर पे, ये दही घर वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। ये है सूजी, सूजी को मैं थोड़ी देर पहले भिगो कर रख दी हूँ। और ये चीनी, और इस मसाले वाले बॉक्स में से सिर्फ और सिर्फ नमक यूज़ करूँगी। और बस 2 चम्मच ही मुझे ऑयल चाहिए होंगे जो कि मैं लास्ट में यूज़। वैसे तो मैं जब भी छोले भटूरे बनाती हूँ घर में, तो भटूरे में हमेशा से ये सूजी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा, एक वीडियो YouTube पे देखा तो उसे देखकर मैं यही सोची कि चलो इस बार थोड़ा सूजी डालकर ट्राई करते हैं कि उसमें क्या नया इफ़ेक्ट आता है। ये आटा लगाने के बाद फ्रिज में बहुत ज़्यादा आइसिंग हो चुकी है, तो मुझे उसे भी डिफ्रोस्ट करना है। मैं 2-3 दिन पहले से सोच रही थी बट मैं भूल गई थी, तो अब डिफ्रोस्ट कर लेती हूँ पहले। तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा आइसिंग हो चुकी है, मतलब हर तरफ ही बर्फ़, ये सही से खुल भी नहीं पा रहा है। देख रहे हो आप अंदर कितना ज़्यादा बर्फ़ हो चुका है। तो अभी मैं इसे डिफ्रोस्ट कर देती हूँ। ये देखो नीचे भी पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, तो मैं अभी इसे डिफ्रोस्ट कर देती हूँ, तो ये शाम तक तो हो ही जाएगा। मेरा गैस स्टोव बनकर आ गया है, ये देखो। बट ये वाला जो बर्नर है ना, ये अच्छे से अभी भी नहीं चल रहा है, मतलब जल तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम दे रहा है ये, और ये वाला सही हो गया बिल्कुल। तो अभी भी मेरे पास काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाले स्टोव और ये वाला स्टोव ही काम कर रहा है। ये वाले में अभी भी प्रॉब्लम है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितने ज़्यादा ऊँचे तक इसमें आ रहे फ्लेम्स, क्या हो गया यार। ये देखिए कितना ज़्यादा हाई फ्लेम दे रहा है कंपैरेटिवली, ये वाला कितना सही चल रहा है। ये परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट है, तो इसे मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस इसको ही यूज़ करने वाली हूँ। तो गाइज़, आज मैंने छोले भटूरे बनाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का ऑफ वाला डे था, तो अभी लॉकडाउन की वजह से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो काफ़ी दिन हो गए थे हमें छोले भटूरे खाए हुए। तो मुझसे ज़्यादा मतलब मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो घर पे ही ट्राई करती हूँ एक नए तरीके से। तो वैसे तो मैं जब भी बनाती हूँ तो उसमें सूजी ऐड नहीं करती हूँ, बट इस बार मैंने सोची कि सूजी ऐड करके देखती हूँ, क्योंकि उसमें सूजी डालने से ऐसा होता है कि वो काफ़ी देर तक फुला रहता है भटूरा। तो इस वजह से मैं आज ट्राई की, तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट शायद आ सकता है। तो अभी जब मैं बनाऊंगी तभी पता चलेगा कि पता नहीं कैसा बना है या नहीं बना है। और छोले तो मुझे ये काबली चना के छोले काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है, और तो मैं बहुत ज़्यादा रिच मतलब तेल वगैरह नहीं डालती हूँ, थोड़ा कम ही डालती हूँ बस। साथ में ये कश्मीरी लाल मिर्च जो होता है वो कलर के लिए ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे ना मतलब अगर थोड़ा आप अगर स्पाइसेस थोड़ा कम भी यूज़ करते हो बट अगर देखने में वो कलर अच्छा होता है तो वो खाने में काफ़ी मज़ा आता है। ये देखिए इधर ये डो जो है हमारा, ये रेस्ट कर रहा है, तो इसे हम अभी रेस्ट करने ही देते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। किचन में ये देखिए ये बन चुका है गर्मा गर्म छोले, बस फटाफट अब भटूरे तलने बाकी। पता है वो कैश्यू जो था ना, वो रखा हुआ मतलब काजू रखा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि रात को कभी भी मन होता है ना तो निकालो और खा लो 2-4। देखिए गाइस कितना सारा हमारे यहाँ मतलब ये कार्टन सब पड़ा हुआ है, सब अमेज़ॉन का, आज मतलब सारा आपको घर से रफा दफा करना है, तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं। ये सब पूरा सब एक साथ इकट्ठा करके हटाएंगे सब घर से बाहर, आज बहुत सारा काम करना था यार। ये देखो कितना फैला हुआ है घर पूरा। ये चलते हैं, भटूरे तो अभी नहीं बने हैं तो छोले ही चेक कर लेते हैं। ओह वाओ, ये अच्छे छोले बने हैं यार, मस्त लग रहा है। ये देखो ओह क्या स्मेल है, मज़ा आएगा इसको। भटूरे तो पता नहीं कैसे बनने वाले हैं बट छोले तो परफेक्ट बने हैं।
तो मैं अभी तक शावर नहीं ली हूँ, तो जाने वाली हूँ शावर लेने, उसके बाद फिर बनाऊँगी भटूरे। तो अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है यार, मतलब इसीलिए मैं सोची ना कि थोड़ा रुक कर शावर लूँगी, ताकि उससे क्या होगा ना कि मतलब इतना ज़्यादा स्वेटिंग जो हो रही है ना, तो नहा लूँगी तो मतलब एकदम फ्रेश फील करूँगी। जैसे मैं फ्रेश होकर आई हूँ और ये लाइट भी चला गया यार, मतलब ये मैं बाहर की लाइट से वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब बहुत गर्मी लग रही है यार, मतलब नहाने के बाद लाइट ऑफ हो जाए तो नहाने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे मेरे फेस में भी देखो ना कितने पिंपल्स आ रहे हैं, मतलब इतने तो मेरे टीनेज में भी पिंपल्स नहीं आए थे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना कर रख दिए हैं, थोड़ी देर इसको रेस्ट करने दूंगी, 10 मिनट के बाद इसे बेलूंगी। भटूरे को अच्छे से फुलाने के लिए ना आपको बहुत अच्छे से बेलना पड़ता है, मतलब हर तरफ से हर साइड से आपको एकदम इक्वली बेलना होता है, और तेल हमेशा ध्यान रखना होता है कि एकदम हाई फ्लेम पे रहे, तभी जाकर भटूरे फूलते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट दिया, मतलब मुझे ये वाला जब भटूरा मैं तली ना तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि वाह यार बहुत मस्त बनाई है, तो बहुत मैंने ही बनाए ये भटूरे, मतलब ऐसा वाला फीलिंग आ रहा था। देख रहे हो आप ये भटूरे को, मेरे नज़र लग गई, इसे पता चल गया था कि मैं शूट करने वाली हूँ, इसलिए शायद ये अब नई तेवर दिखा रहा है। देखो कैसा बन गया यार, फुलाई नहीं सही तरीके से, और थोड़ा मतलब सूजी शायद थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया था, इसकी वजह से ना थोड़ा हार्ड भी हो गया था, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो जाने पर ये थोड़ा हार्डनेस आ गया था इसमें। ये मैंगोज़ पता है कल ही आए थे मेरे घर, मतलब 4-5 मैंगोज़ थे, और सिर्फ मैं अकेली खाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पहले तो मैं भगवान जी को चढ़ा दी उसमें से एक निकाल कर, और उसके बाद बाकी सब मैं ही खाने वाली हूँ अकेले। तो दो तो मैं पहले ही खा चुकी हूँ, दो बस ये लेफ्ट ओवर्स है, तो आम यहाँ पर पता है बहुत सस्ते में मिलती है यार। भटूरा उतना भी अच्छा नहीं बना जितना हर बार ही बनता है, मतलब ठीक ही बना, उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब शायद लगता है ना कि भटूरे को पता चल गया था कि आज मैं शूट करने वाली हूँ इसको, इसलिए नहीं तो हर बार तो बहुत ही अच्छा बनता है। इसलिए मैं ना सोची कि आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर करूँ, जब जिस बार अच्छी बनेगी ना उस बार ही शेयर करूँगी। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।